Hello guys, I am Shubham and welcome to my channel. Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. तो बहुत ही दिनों के बाद कर रहा हूँ मैं ये वीडियो, दिनों भी नहीं बहुत महीनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ मैं. इसके दो मेन रीज़न है, इतना टाइम तक मैंने वीडियो डाला नहीं क्योंकि एक तो मेरा पीसी ख़राब हो गया था तो रिपेयर नहीं हो रहा था, और दूसरा तो मैं मेरे नए घर पे शिफ्ट हो गया और उधर नेट नहीं था. अभी अभी भी सब हो गया, पीसी रिपेयर होके भी आ गया, नेट भी आ गया, तो अभी मैं ये एडिट करूँगा. तो छोड़ दो. हाँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा नया परचेस. जैसे कि आपने मेरा पिछले व्लॉग देखे रहेंगे शायद से, अगर नहीं देखे रहेगा तो देखो. मैंने एक बात बोली थी, मेरे को बाइक्स बहुत पसंद है, मैं पागल हूँ बाइक्स के ऊपर. तो आज मैंने कुछ चीज़ें ली है मेरे बाइक्स के रिलेटेड. जैसे कि आपको पता रहेगा इंडिया में बिल्कुल भी सेफ्टी मेजर्स लेते नहीं है बाइक को रिलेटेड. अगर बाइक आप देखते रहोगे, इतने सारे लोग विदाउट हेलमेट मोबाइल पे बात करते वक्त बाइक चलाते रहते, इधर किसको किसकी पड़ी रहती नहीं है. तो मैंने मेरे लिए लिया है एक नया राइडिंग जैकेट, एक राइडिंग ग्लव्स और नी पैड शिन पैड लिया हुआ है, तो वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ. पहला स्टार्ट करते हैं ग्लव्स से. तो ये बाइकिंग ब्रदरहुड का ग्लव्स है, BVG. पता नहीं मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं. बहुत अच्छा ब्रांड है ये BVG, बहुत सुना है ब्रांड के बारे में और लिटरली बहुत अच्छा है. तो ये है ग्लव्स, दिखा देता हूँ आपको. ये ग्लव्स है, ये फुल नहीं है, फुल मतलब एक इतना आता है, इतने बड़े बड़े आते हैं जो उसको कुछ तो बोलते हैं, मेरे को याद नहीं अभी. और ये हाफ है जो आपके सिर्फ रिस्ट तक रहता है, तो ये सिर्फ हाफ ही है और बहुत ही अच्छा प्राइसिंग में मिला है मेरे को और बहुत अच्छा ग्लव्स मिला है. ये कुछ 1800 का है, अठारह सौ का ग्लव्स है ये कुछ, और बहुत अच्छा है. इधर आपको इसको क्या बोलते हैं, जो भी हो आपको इसका प्रोटेक्शन मिलता है. फिर फिंगर के लिए मिलता है आपको, ये रबर है पूरा और अच्छा रबर है, ऐसा भी नहीं कि एकदम अच्छा क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छा क्वालिटी है पूरा. और आपको पाम के लिए भी थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है. बहुत सारे ग्लव्स आते हैं इतने सस्ते अपना 1800 में जिसमें पाम के लिए कुछ रहता नहीं है, बिल्कुल भी रहता नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा रहता है बीच में. ये बहुत अच्छा मटेरियल है अंदर से. और इसका इधर दिया हुआ है ब्रांडिंग BVE ग्लव्स, BVE गियर्स, और ये मॉडल का नाम है BVE सिटी राइडर, ऐसा है. देखो फोकस, हाँ ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैंने बहुत सारे देखे थे अलग अलग इसके भी कंपनी के भी, पर मेरे को ये अच्छा लगा, सस्ता था और बजट में था और अच्छा मिल गया तो इसलिए ले लिया. तो सेकंड जो चीज़ है वो है मेरा राइडिंग जैकेट, ये भी उसी ब्रांड का है BVG बाइकिंग ब्रदरहुड. ये उसका बैक साइड है और इधर आपको मिलता है उसका लोगो BVG, इधर भी आपको मिलता है बाइकिंग ब्रदरहुड करके लिखा रहता है, बाइकिंग गियर्स करके. फोकस होना. तो ये पूरा मैश है इधर से, ये फ्रंट साइड है इसका, मैं आपको पेन के लिखाता हूँ. दो मिनट पेन के लिखता हूँ. तो पेन लिया मैंने ये. हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ये पूरा मैश है, मैश मतलब ये नेट जैसा रहता है पूरा. तो ये वेंटिलेशन के लिए रहता है बेसिकली, इधर से हवा जाने के लिए रहता है. इधर मैश है पूरा का पूरा, ये मैश है, ये साइड भी मैश है और पीछे भी मैश है पूरा, और ये हाथ के पूरा साइड में मैश है, ये पूरा मैश है. तो आई होप इससे वेंटिलेशन अच्छा होगा जैकेट में, पसीना ज़्यादा नहीं आएगा. और एक टिपिकल इंडियन जैसा मैंने अब तक प्लास्टिक निकाला नहीं है, छोड़ बाद में निकलूँगा. तो
ये इसका नाम है, मॉडल नेम है इसका एक्सप्लोरर, बेबीज जी एक्सप्लोरर करके जगह का नाम है। आपको इधर इसका ब्रांडिंग मिलता है एक्सप्लोरर करके ये, और बैक साइड में भी लिखा रहता है, कुछ दिखेगा कि नहीं पता नहीं, ये देखो। तो बहुत अच्छा है ये, इधर आपको जिप मिलता है टाइट करने के लिए, ये वेलक्रो है, टाइट हो जाता है। फिर इधर आपको दो बटन जैसा मिलता है, ये आपको टाइट करने के लिए रहता है। तो हाँ, जब भी आप राइड करते हो तो आपको ये जैकेट टाइट लगता है, तो आप जब भी जैकेट लोगे, जो आपका टी शर्ट साइज है, टी शर्ट का साइज़ है, उससे एक साइज कम लेने का। मतलब अगर अभी मेरा ये लार्ज है टी शर्ट, तो मैं जैकेट लूँगा एम साइज़ का, तो ये एम साइज़ का जैकेट है, इसलिए इतना पहनने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होता है पहले स्टार्टिंग में, बाद में आदत हो जाता है। तो आपको टाइट इसलिए लगता है क्योंकि जब अगर आप गिरे किधर, तो आपका जो प्रोटेक्शन है इधर गार्ड रहता है, इधर रहता है, इधर और इधर, वो टाइट रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अगर हिला तो आपको लग सकता है अंदर, इसलिए टाइट रहना चाहिए पूरा जैकेट। तो ये ऐसा बटन रहता है इधर, और इधर भी रहता है, तो आप टाइट कर सकते हो, और जब आप राइड नहीं कर रहे हो तो निकाल दो, तो कंफर्टेबल रहेगा फिर करने के लिए। ये एक अच्छा क्वालिटी का जिप मिलता है, जिप है पूरा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगेगा, पर जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगा, आपको कंफर्टेबल लगते जाएगा वो। अब मेरे को भी आदत नहीं है सब डालने की, पर हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आपको इधर भी ये स्ट्रैप मिलता है सेम, इधर भी स्ट्रैप मिलता है, इधर लिखा रहता है बेबी, ब्रांडिंग है इसकी पूरी, बहुत ही अच्छा है जैकेट आपको अंदर से। और ये मेरे को मिला है 6000 में, 6000 का जैकेट है पूरा। और इसके साथ आपको मिलता है अंदर के लाइनर, ये है विंटर लाइनर, अगर ठंड रहेगी तो ये अंदर अटैच करने का, इस चेन पे, अंदर के चेन पे विंटर के वक्त। और ये रेन लाइनर, आपको बारिश शोक अटैच कर सकते हो अंदर और पहन सकते हो। मेरे को पता नहीं है वाटर प्रूफ है कि वाटर रेजिस्टेंट है, लिखा तो था वाटर प्रूफ, अब पता नहीं, देखना पड़ेगा जब चलाओगा तभी। वैसे मुंबई में दोनों की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ठंड भी इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। हाँ, बारिश की एक बार पड़ सकती है क्योंकि बारिश आता है तो हो सकता है, पर ठंड की तो बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ लद्दाख विदाख जाते तभी काम आता रहेगा। कौन गया पता नहीं। तो ये है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये पूरा। वैसे रिफ्लेक्टर है, रात को अगर इस पर लाइट गिरेगा तो पूरा रिफ्लेक्ट होगा, ये पूरा पीछे भी है पूरा। और इसका सबके सब प्रोटेक्टिंग गार्ड जो है वो सीट सर्टिफाइड है, सीई सर्टिफाइड होता है वो, कुछ गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन मिलता है कि अच्छा रहता है करके। तो ये इधर मिलता है, एक एल्बो गार्ड मिलता है, शोल्डर मिलता है, और बैक के लिए मिलता है, तो ये तीन मिलते हैं आपको गार्ड। आगे कुछ नहीं है इसके गार्ड बिट, हाँ अच्छा है। वैसे हाँ, पॉकेट है, इधर एक पॉकेट है, इधर पे एक है, और एक अंदर है पॉकेट। अब ये परफॉर्म कैसे करता है मेरे को पता नहीं, अब तक मैंने पहना नहीं एक भी बार, अभी अभी लिया है, 3-4 दिन हुआ, तो जब रियल जब ही राइड करूँगा तब समझेगा कि कैसा है, पसीना आता है नहीं आता है। हाँ, बाय द वे मैं इधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वो स्क्रीन उधर है, इसलिए बहुत अच्छा लगा मेरे को। बजट में था 6000 में, अच्छा खासा। तो तीसरी और जो आखिरी चीज़ जो मैंने ली है वो है नी पैड, स्कॉर्को के नी पैड। मेरे को पता नहीं मैं इसका प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं, अगर सही नहीं कर रहा तो बता दो मेरे को कमेंट में। स्कॉर्को के नी पैड है, ब्रांड का नाम है स्कॉर्को और मॉडल नेम है K12। एक बैग में आते हैं ये, अच्छे खासे ठीक बैग है, मतलब क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है बैग का, पर ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं,
तो इसकी सबसे बेस्ट बात मेरे को ये लगी कि ये जो अंदर का पैडिंग है इसके, वो बहुत बहुत सॉफ्ट है और बहुत मोटा है। मोटा बहुत बेकार चलता है वो, बहुत थिक है जो पैडिंग है और काफ़ी कंफर्टेबल लगता है पहनने के बाद। और ये पूरा होता है, ये पैडिंग में दो टाइप के पैडिंग आते हैं, एक है नॉन बायोनिक और एक बायोनिक। तो ये बायोनिक होता है, जो नॉन बायोनिक रहता है वो कपड़े का रहता है, वो ऐसा फोल्ड नहीं होता। जो बायोनिक रहता है वो फोल्ड होता है पूरे ऐसे। अब जैसा आपका ये बायोनिक, इसके लिए कि जैसा आपका पैर जाएगा वैसा ये फोल्ड होगा, वैसे का वैसा। ये इधर प्लास्टिक का है, पर इतना बहुत हार्ड प्लास्टिक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लास्टिक दे दिया। बहुत अच्छा दिखता है ये पहनने के बाद भी। इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं, एक येलो आता है, एक वाइट आता है शायद से, और एक नियॉन ग्रीन शायद से कुछ तो आता है, और भी आते रहे पता नहीं, मेरे को उतने दिखे नहीं सब कुछ। पर मैंने लिया ब्लैक, ये सब ब्लैक है मेरा, ग्लव्स जैकेट तो ब्लैक ही लिया। वैसे वाइट लेता हो तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है वाइट कलर। और एक इसका चीज़ है, मैं जो बहुत सारे नीगार्ड देखा, नी पैड देखा, उसमें वेलक्रो था, मतलब ये जो है वो वेलक्रो से चिपकाने का रहता है, पर इसका वेलक्रो नहीं है, ये कुछ अलग है, ये ऐसा थोड़ा हुक टाइप रहता है। तो वो इसको सिर्फ इसके अंदर अटका देने का है। जो वेलक्रो रहता है वो टाइम के हिसाब से ख़राब होते जाता है, मतलब आप बहुत बार बंद चाल बंद खोल खोल बंद खोल बंद करते हो तो वो वेलक्रो ख़राब हो जाता है। ये ख़राब नहीं होगा, ये पूरा ऐसे का ऐसा रहेगा। और ये स्ट्रेचेबल है पूरा, इसको आपके पैर के हिसाब से कर सकते हो, छोटा बड़ा कैसे भी। और हाँ, आपको इधर एक ग्रिल दिखता है, ये वेंटिलेशन के लिए ही है, ऑफिस मेटल ग्रिल है थोड़ा। इधर भी एक है, होल है ये, इधर भी मेटल ग्रिल है, तो वेंटिलेशन के हिसाब से भी अच्छा खासा है और अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है पैर पे। 2 मिनट, ये कुछ ऐसा दिखेगा पूरा, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये। और ये कुछ प्राइसिंग इसका, रुको 2 मिनट, बराबर है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ इसका प्राइसिंग है कुछ 3,200, मेरे को शॉप में तो 3,200 में मिला, अब मेरे को ऑनलाइन पता नहीं कितने का है। अगर मेरे को मिला तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, देख लो, सबका लिंक दे दूंगा नीचे, ये तो जैकेट का भी, ग्लव्स का भी और ये पैड का भी। तो ये सब बजट में आया लगभग 11,000 कुछ हो गया सबका, तो मेरा बजट इतना ही कुछ था। अच्छा खासा मिल गया मेरे को, ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा हो गया। चलो अभी आप 1 लाख का बाइक ले सकते हो, तो 11,000 कुछ नहीं आपके सेफ्टी के लिए, बहुत कम है। उल्टा अगर आप अगर गिर गए किधर भी इधर, तो आपको उसका ही 15-20 हज़ार रुपये देना पड़ेगा हॉस्पिटल में, उससे अच्छा 11,000 इधर डाल दो। अगर गिर भी गए तो आपको वापस कुछ खर्चा नहीं आएगा, उधर का इन्वेस्टमेंट इधर का, दो इन्वेस्टमेंट, इजी बात है। और प्लीज़ ये सब जो आपका जो प्रोटेक्शन के लिए है, हेलमेट, ग्लव्स और जो भी हो, अपना लेग, अपना इसका नी गार्ड, वापिस जैकेट जो भी हो वो पहना करो प्लीज़, क्योंकि आपके लाइफ के ऊपर से और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टाइल मारने के लिए विदाउट हेलमेट, विदाउट ग्लोव आप जा रहे हो, विदाउट प्रोटेक्शन जा रहे हो बाइक पे, प्लीज़ ऐसा मत करो, ले लो। अगर आपको इतना इतना खर्च नहीं करने का है तो कम से कम हेलमेट हेलमेट ग्लव्स तो ले ही सकते हो कोई भी, और ऐसा ही नहीं कि यही ले लो, इससे सस्ते वाले भी मिलते हैं मार्केट में, इससे सस्ता जैकेट भी मिलता है, इससे सस्ता आपको ग्लव्स भी मिलता है, इससे सस्ता आपको नी पैड भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलता है, लो खरीदो पहनो और सेफ रहो। मैं भी पहले ऐसे था कि
अरे क्या नहीं कुछ नहीं होगा, हेलमेट है ना, बहुत हो गया। पर जब मैं गिरा तो समझा, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ कि अरे पहनता पहना क्यों नहीं हेलमेट, अरे ये क्यों नहीं किया, अरे मैं किधर भगाता हूँ, अरे हो जाता है वो, कुछ नहीं, ऐसा चीज़ नहीं। भगाने के बाद ही आप गिर सकते हो। मैं इधर 20 की स्पीड पर गिरा और इधर मेरे को 9 स्टिचेस है। होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप खड़े हो, आपको आके कहाँ ठोक दे, कुछ भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। तो प्लीज लो, खरीदो, अच्छा है, दिखने के लिए भी अच्छा दिख जाता है, स्टाइल भी मार सकते हो। दैट्स इट, इतना ही है आज के लिए, इतना ही। ये सबका रिव्यू मैं दूंगा एक बार, अगर कौन से भी एक राइड पे गया मैं। अभी फिलहाल मैं राइड चालू करूँगा, सोच तो रहा हूँ चालू करने का, और मैं तब गया अगर राइड पे तो मैं आपको इस सब का रिव्यू दे दूंगा, कैसा परफॉर्म करता है कैसा नहीं। यस, इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर जाओ, बाय। अगला वीडियो आएगा, पक्का आएगा, इस बार पक्का आएगा।